गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेट्रो सिटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक न्यू अपडेट आपको देंगे। आज आपको दिखाया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, इतना विशाल एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ तैयार हो रहा है। 3 जगह मेट्रो क्रॉसिंग हो रही है इसमें दोस्तों। बहुत ही हाइट पर जो है इसके पियर बनाए जा रहे हैं और बहुत ही लंबा रूट बनाया जा रहा है दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। इसकी आज हम एक एक अपडेट आपको देंगे और ये कहां से स्टार्ट होगा और कहां जाके ख़त्म होगा, कितना टाइमिंग इसमें लगेगा, सब आपको डिटेल बताई जाएगी दोस्तों। दोस्तों, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत विशाल कनेक्टिविटी है इसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। 5 राज्यों को कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब रहेंगे। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इसकी कॉस्ट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसकी कॉस्ट 98,233 करोड़ रखी गई है दोस्तों, और इसकी टोटल लंबाई जो है 1355 किलोमीटर है। 8 लाइन का चौड़ीकरण होगा इसमें, 8 लाइन रहेंगी, जिसमें जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में टोटल सोलर पावर सिस्टम की लाइटिंग रहेंगी। हर 1 से 2 किलोमीटर के बीच में सीसीटीवी कैमरा का प्रावधान होगा। आप फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक कार्यशैली आपको दिखा रहे हैं। हर पॉइंट पर विशेष कार्य चल रहा है दोस्तों। हर पॉइंट पर अलग अलग स्टाफ रखे गए हैं, 1 से 1 इंजीनियर इसमें आए हैं, हैवी एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर बुलाए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। हर वर्कर साथ ही अपना विशेष इसमें योगदान दे रहा है दोस्तों। अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये पायल इंटीग्रेटिव टेस्ट है दोस्तों। इसी के द्वारा पूरे पायलिंग का टेस्ट होता है, जो फाउंडेशन हम बनाते हैं एक पियर का फाउंडेशन जो 40 से 50 मीटर तक अंदर जाता है दोस्तों, ज़मीन के अंदर जाता है उसका फाउंडेशन। एक एक पॉइंट की पूरी जानकारी इसमें लेनी पड़ती है। 1 से 1 मशीनें आ गई हैं दोस्तों, जो पूरी चेकिंग करती हैं। अब हम दोस्तों यहां से आगे एक एक पॉइंट की आज अपडेट आपको देंगे। अभी जो है ये पायल टेस्ट हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। इस पायल टेस्ट की पूरी डिटेल्स हम आपको आगे दिखाएंगे अगली वीडियो में, इसके बारे में बताएंगे होता क्या है ये। अब आपको दोस्तों यहां से हम आगे दिखा रहे हैं, ये जो अभी चल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, काफ़ी हद तक यह प्रोजेक्ट अभी पूरा हो गया है दोस्तों, और बहुत जल्द से जल्द जो है इसको पूरा कर दिया जाएगा। एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जो है प्रोजेक्ट अभी तैयार हो रहा है दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 5 राज्यों को कनेक्ट करते हुए एक विशाल कनेक्टिविटी वाला क्षेत्र बनेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दोस्तों। अब फ्रेंड्स, इधर से आगे बढ़ते हुए एक एक पॉइंट की जानकारी हमने आपको दी, हर पॉइंट को दिखाया। हर पॉइंट पर अभी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आगे दोस्तों, आगे जैसे जैसे यह प्रोजेक्ट आपका तैयार होगा, हम एक एक अपडेट आपको देंगे और एक एक अपडेट की पूरी जानकारी हम आपके पास पहुंचाएंगे। और दोस्तों, इतना विशाल एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, आने वाले समय में जिन लोगों को दिल्ली से मुंबई जाना है आसानी से दिल्ली से मुंबई आ जा सकते हैं दोस्तों। ओनली 12 घंटे का समय लगेगा, जो बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी होगी। आगे दोस्तों, आज की वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करूंगा। आगे जो भी अपडेट रहेगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलूँगा एक नई